तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की दाम आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जैसे कि ये सोने या चांदी हो। जिन्हें रोजमर्रा का काम है उन्हें तो ये खून की कीमत के पेट्रोल को डलाना ही पड़ता है, लेकिन कुछ तो शौक से डलाते हैं। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन इसी बीच हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव भी निकल के आती है, एक ईवी बाइक और स्कूटी। इलेक्ट्रिक बाइक तो मार्केट में उतनी नहीं है जितने की इलेक्ट्रिक स्कूटी है, वो भी अलग अलग कंपनी के। हर कोई एक दूसरे से कंपटीशन में है, हीरो, टीवीएस, बजाज, ईथर, एक्स्टर वगैरह वगैरह काफ़ी सारी कंपनियां हैं। लेकिन इन्हीं के बीच एक प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी ओला निकल के आती है, जो अपनी कमाल की स्पीड रेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। इसी ईवी स्कूटी के सेगमेंट में ओला ने एक और स्कूटी निकाल दी है, ओला X1X। ओला X1X नाम इस स्कूटी का। ये कमाल की रेंज और स्पीड के साथ आती है, आप एक बार इसकी खूबसूरती को निखार लीजिए। अगर आपका जी भर गया तो बाकी की बातें कर लेते हैं, मतलब स्पेसिफिकेशन की बातें कर लेते हैं। तो इसमें आपको बैटरी फिक्स मिल जाती है 2 kWh की, रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन नहीं मिलता है। 0 to 100% चार्ज होने में इस बैटरी को 5 घंटे का टाइम लगेगा। बैटरी की मैक्सिमम पावर 6000 वाट है और रेटेड पावर 2.7 kW है, जो कि आपको 95 km की रेंज प्रोवाइड करा देती है। और अगर टॉप स्पीड की बात करें तो वो 85 km/h तक जा सकती है। साथ ही में आपको इस स्कूटी में राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि खासकर काफ़ी सारी बाइकों में भी नहीं आते, लेकिन एक ईवी में राइडिंग मोड्स सच में कमाल की बात है। आपको इसमें 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। इस स्कूटी में IP67 रेटेड के साथ लिथियम आयन 2 kWh की बैटरी मिल जाती है, हब मोटर मिल जाता है, पोर्टेबल चार्जर मिल जाता है और इस चार्जर का आउटपुट है 500 वाट। अगर पर किलोमीटर कॉस्ट की बात करें तो आपको 1 km चलाने में सिर्फ 0.16 पैसे लगते हैं। और इस स्कूटी का वेट भी सिर्फ 101 kg है। 805 mm की सीट हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है। अब सामने की बात करें तो इसमें आपको 3.5 इंचेस की LCD स्क्रीन मिलता है, मतलब फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, सारे बेसिक्स फीचर के साथ आती है। इसमें आपको हैजर्ड वार्निंग इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, कॉल एंड SMS अलर्ट भी मिल जाता है। जो नहीं मिलता है वो है GPS एंड नेविगेशन का फीचर। एक अच्छी बात भी है इसमें, इसमें आपको पार्किंग असिस्ट भी मिल जाता है और इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है एकदम बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे। जो इस मॉडल की बात कर रहे हैं हम, 2 kWh बैटरी के साथ वाला, इस मॉडल का प्राइस है 74,999 rupees। अलग अलग बैटरी कैपेसिटी के साथ आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगा। ये प्राइस 2 kWh वाली बैटरी का है, हालांकि ये प्राइस भी एक इफ़ेक्टिव ही प्राइस है, बाकी स्कूटी के जैसा ही प्राइस है। और इसमें आपको एक खासियत मिल जाती है कि इसमें आपको ओला का सर्विस मिल जाता है। ओला जितनी सर्विस प्रोवाइड करती है उतनी ना कि कोई और कंपनी प्रोवाइड करती है, तो आप इसे डेली यूज़ के लिए ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी और भी बाइक और टैग वीडियो मैं लाता रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।